नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों तक हवाई सेवा हमारी प्राथमिकता। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बड़ा प्रांत है, सड़क और रेल मार्ग से तो प्रदेश में आगमन की सुविधा विद्यमान है। इसके साथ ही अब राज्य शासन द्वारा हवाई मार्ग से भी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के धार्मिक पर्यटन या अन्य पर्यटन स्थान और बड़े शहरों तक हवाई सेवा का विस्तार प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा तथा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के शुभारंभ अवसर पर राजकीय विमानतल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पर इस पर की विशेष कृपा है। अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर देश को ऊर्जा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में मां नर्मदा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्रदेश में आरंभ हो रही हवाई सेवा से धार्मिक के साथ साथ व्यापारिक प्रशासनिक गतिविधियों तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना त्वरित रूप से संभव होगा। हमारा प्रयास होगा कि सभी जिलों में हवाई पट्टियां बने और अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का विस्तार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर से महाकालेश्वर तथा हमलेश्वर के लिए हवाई सेवा के साथ केदारनाथ और यमुनोत्री के समान दतिया मेहर ओरछा आदि के लिए कम समय में दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तक हवाई सुविधा के विस्तार का प्रयास होगा। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थान जैसे कान्हा बांधवगढ़ तक वायु सेवा का विस्तार करने की भी योजना है। एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। आपको बता दें, देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट पर अब राष्ट्रपति फैसला करेगी। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। माना जा रहा है कि समिति ने 2029 देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 6 महीने विलंब से तो कई जल्दी चुनाव कराने की बात कही गई है। आचार संहिता लगने का डर, 7 दिन में कैबिनेट की दूसरी बैठक। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के पहले डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े प्रोजेक्ट और नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी देगी। इसके लिए गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। ये इस सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। संभावना है कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए 1-2 दिन में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद नए प्रोजेक्ट मंजूर नहीं होंगे, न ही अलग से प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के भी ब्रेक लग जाएगा। इसके चलते गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई जाई गई है। जानकारी के अनुसार बैठक में जल संसाधन और लोक निर्माण विभाग के निर्माण संबंधी बड़े प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। ऐसे प्रस्तावों के लिए बुधवार को दोनों विभागों में देर रात तक कामकाज जारी रहा। सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा कैबिनेट 25 से अधिक प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। इनमें निर्माण से जुड़ी मंजूरी लेना प्रमुख। कांग्रेस ने की 5 नारी न्याय गारंटी की घोषणा। मध्य प्रदेश में मानी जा रही है संजीवनी। नौकरी में 50% महिला आरक्षण की गारंटी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। युवाओं को न्याय गारंटी देने के बाद अब नारी न्याय गारंटी दी गई है। इसमें सरकारी नौकरियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है। साथ ही गरीब परिवार की एक महिला को वर्ष में 1,00,000 रुपए देने की भी अपनी घोषणा को कांग्रेस अपने गिरते ग्राफ को थामने के लिए संजीवनी मानकर चल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने कई गारंटियां दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में परिणाम अनुकूल नहीं आए। पार्टी ने युवाओं के बाद अब नारी न्याय को गारंटी दी है। इसमें वादा किया गया कि हर गरीब महिला को वर्ष भर में उसके बैंक खातों में 1,00,000 रुपए देगी। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 1,25,00,000 से अधिक लड़की बहनों को प्रतिमाह 1,225 रुपए दे रही है। जवाब में कांग्रेस की ओर से केंद्र में सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा भी किया है। कहा गया कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं को 2x केंद्रीय सहायता दी जाएगी और पंचायतों में अधिकार मैत्री की नियुक्ति व कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले के नाम से छात्रावासों की संख्या 2x होगी। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और प्रदर्शन की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया और भाजपा ने समर्थन किया। दरअसल केजरीवाल के CAA पर दिए बयान से हिंदू शरणार्थी खफा है। उन्होंने सुबह 11 बजे उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं और बच्चों ने भी नारे लगाए। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनके आवास के पीले रोक रखा था।
शाम को सीएम केजरीवाल ने फिर अपनी वही लाइन दोहराई और एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया, बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया, बीजेपी उससे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई, भारत के साथ गद्दारी करने लगी, इस सीएए के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह भड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। मध्य प्रदेश में 16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, भोपाल ग्वालियर में बूंदाबांदी बादल का अनुमान। आपको बता दें मध्य प्रदेश में अगले दो दिन तेज गर्मी रहेगी, कई शहरों में दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहेगा, इसके बाद पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल ग्वालियर इंदौर शहडोल नर्मदापुरम संभाग में कई बादल छाएंगे तो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश के 5 शहर रतलाम दामो नरसिंहपुर मंडला और सिवनी में दिन का तापमान 36 डिग्री या इससे अधिक रहा। सीनियर मौसम विज्ञानी डॉक्टर दिव्या ने बताया कि ईस्ट एमपी में भी सिस्टम की एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कई कई बूंदाबांदी हो सकती है तो बादल भी छाएंगे, इससे पहले गर्मी का असर बड़ा हुआ रहेगा। सिस्टम की एक्टिविटी दो दिन तक रहने का अनुमान, इसके बाद प्रदेश में फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर और बढ़ेगा। भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन समेत प्रदेश के 10 शहरों में 10 साल का रिकॉर्ड देखे तो आखिरी दिन में यहां तेज गर्मी का ट्रेंड है। इस बार पहले पखवाड़े में ही गर्मी ने तेवर दिखाए हैं। अनुमान है कि 26 से 31 मार्च के बीच ज्यादातर शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भारत सरकार का बड़ा एक्शन, बैन किए 18 OTT 19 वेबसाइट समेत 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपको बता दें भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है जो खराब कंटेंट परोसते थे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर फैसला लिया है। उन्होंने ऐसे कुछ ऐप्स और वेबसाइट बंद कर दिया है जो अश्लील और गलत चीज़ें दिखाते थे। जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है उनमें 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल शामिल है। अभी तक इनका भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि असली और गलत चीज़ें दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म पर हमने एक्शन लिया है, ये सभी अब भारत में बंद कर दिए गए हैं। हमने ये फैसला भारत सरकार के दूसरे विभागों से बातचीत करने के बाद लिया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की गई है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनबाड़ी में निकली 23,753 पदों पर भर्ती। आपको बता दें बाल विकास सेवा परीक्षा उपसहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया। राज्य के विभिन्न जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 23,753 पदों भर्ती होने महिला उम्मीदवारों की ये नौकरी का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू हो चुकी है। आंगनबाड़ी वर्कर पद पर आवेदन के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी वर्कर पर आवेदन करने के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार की निर्धारित आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो सकते हैं नियमित, वेतन भी 27% बढ़ेगा। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का नियमितीकरण हो सकता है। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने कहा कि इसके लिए अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण नीति का अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने गुरुवार को संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि वेतन में भी 27% की वृद्धि भी की जाएगी, साथ ही उनकी ओर से अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के निर्देश MD NHM को दिए गए हैं। इसका फायदा प्रदेश के 45,000 कर्मचारियों को मिलेगा। दिल्ली में किसानों की महापंचायत खत्म। आपको बता दें दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई। यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों के दिल्ली की तरफ मूवमेंट को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कंपनी PSC तैनात की गई थी। दिल्ली जाते हुए जगह जगह किसानों को पुलिस ने रोका। मेरठ में किसानों को घरों में नजरबंद किया गया। रसना में आधी रात ट्रेन को रोका गया। इसके विरोध में किसानों ने 2 बजे से 5 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किया। उसके बाद 5 बजे अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड में भर्ता करके ट्रेन को रवाना किया। काशी टोल प्लाजा पर राकेश टिकट के बेटे गौरव को रोका गया, उनके साथ किसान भी थे। इन सभी ने हाईवे किनारे ही हुक्का लगाकर चौपाल शुरू कर दी। ये चौपाल 1 घंटे तक चली। रामलीला मैदान पर 2 घंटे महापंचायत चली। राकेश टिकट ने कहा कि ये सरकार आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगी। वाहनों को रास्ते में रोका जा रहा है लेकिन आप लोग डरे नहीं। इन लोगों की नज़र आपकी जमीन पर है। जमीन बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।